यूआरसी की हमेशा ये कोशिश रही है कि इस तरह के मसाइल को, इस तरह से इश्यूज को हाईलाइट किया जाए और उन पर जेर बहस लाया जाए ताकि इस पर बाहमी गुफ्तगु के नतीजे में कोई मसला, मुमकिन मसला हल हो सके। ऐसे ही आज का एक मौजूद है खवातीन के सक्रिय मसाइल मोटरसाइकिल सीखने में और चलाने में दुश्वारी। इस एक टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे पहलू निकलते हैं। अमूमन जब कोई भी शख्स अपनी गाड़ी लेके सड़क पर निकलता है तो उसको बहुत सारे मसाइल का सामना होता है, जिसमें ट्रैफिक जैम है, टूटी फूटी सड़कें हैं और फिर कराची के रोज बदलते हुए रास्ते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़ते हैं। लेकिन जब ख्वातीन मोटरसाइकिल चलाती हैं या ख्वातीन अपनी गाड़ी लेकर निकलती हैं तो उनके मसाइल कहीं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसमें आपके घर वालों के खदशात, लोगों की तनकीदें, राह चलते लोगों के इतराज़ात और बेजा तमसखुर, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। कहीं कहीं पजीराई भी मिली है, ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही इसको तनकीद का सामना किया गया हो, बहुत ज़्यादा इसको कहीं कहीं पजीराई भी मिली है। लेकिन उस पजीराई के पीछे भी कुछ लोग हैं जो उसको फेवर करते हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि आज हमें पिंक राइडर फाउंडेशन के बानी जनाब प्यामे खुर्रम साहब ने हमें ज्वाइन किया है ताकि इस मसले को हाईलाइट करते हुए कि ख्वातीन के सफरी मसाइल क्या हैं और उसका मुमकिन और मुतवक्का हल क्या है, उस पर बात कर सकें। डिटेल तो इस बारे में खुर्रम साहब ही आपको बताएंगे। साथ ही अर्बन रिसोर्स सेंटर के चेयरमैन, मारूफ आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर जनाब आरिफ हसन साहब भी मौजूद हैं जो इस गुफ्तगू को समअप करेंगे, इसको समेटेंगे और मुख्तलिफ दलाइल के ज़रिए इस बात में मज़ीद वज़न डालने की कोशिश करेंगे। चूँकि माजरत की लाइट नहीं है तो चाहेंगे कि जल्दी प्रोग्राम को बाकायदा शुरू कर लिया जाए और ज़्यादा आप लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े। तो शुरुआत करते हैं खुर्रम साहब से, जनाब प्यामे खुर्रम साहब। सर बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बोलती हैं और मैं समझ रहा था सिर्फ फ़ोन पे ही खूबसूरत बोलती हैं, वैसे भी खूबसूरत बोलती हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सबकी इज़्ज़त अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया, आरिफ साहब, सीमा और मंसूर साहब, यूआरसी की तमाम मैनेजमेंट। अच्छा, बात यह है कि थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि ये हुआ कैसे और कैसे अब जो है ये बहुत कामयाबी की तरफ तेज़ी से ये चीज़ जा रही है। देखें, जैसे सीमा ने बताया ना कि यूआरसी वो मौजूआत ढूंढ के लाता है जो कि हमारी सोसाइटी में मसाइल हैं, उनको ढूंढ के लाता है और उसके ऊपर बहस करता है ताकि लोगों की, जिन लोगों की तवज्जो अभी तक नहीं गई है, तो वो तमाम लोग भी जो हैं वो उसके बारे में सोच सकें, डिस्कस कर सकें ताकि उसका कोई ना कोई हल हो। अब से 5-6 साल पहले की अगर हम बात करें तो यकीन जाने अगर हम किसी से बात करते कि ख्वातीन बाइक चलाएंगी या ख्वातीन बाइक चला सकती हैं तो लोगों पर हैरत के पहाड़ टूट पड़ते थे, कैसे चला सकती हैं। इवन ख्वातीन ख़ुद ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। अभी भी हमारी जो सबसे पहली जंग होती है ना, जब हमारे पास पहली दफ़ा कोई लड़की आती है तो जंग ये नहीं होती है कि क्या होगा कैसे होगा, ये होती है कि मैं तो चला ही नहीं सकती, मैंने तो ज़िंदगी में कभी साइकिल भी नहीं चलाई। तो उस वक्त पूरे कराची में 3 ख्वातीन थीं जो बाइक रेगुलर बेसिस पर चलाती थी और एक बहुत पहले एक खातून सहाफ़ी हुआ करती थी, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, डेथ हो गई, नाम में उनका मेरे जहन से निकल गया। वो मेरे हिसाब से कराची की सबसे पहली बाइकर थी और ये मैं बात आपको बता रहा हूँ लेट 80s की। एनीवे, तो हमेशा से ये तासर रहा है कि ख्वातीन जो बाइक चलाने वाली जो ख्वातीन हैं वो एक नॉर्मल लड़की या नॉर्मल औरत नहीं, वो टॉम बॉय है। ऐसा ही सोचा होगा कि टॉम बॉय है, छोटे छोटे बाल होंगे, जैकेट पहनी हुई होगी, वो बाइक चलाती है। कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा कि इस टाइप की एक घरेलू औरत जो कि अपनी ग्रॉसरी बाइक पे जाके करती है, इम्तियाज़ जाती है, इम्तियाज़ पे दोनों तरफ के थैले लटके हुए होते हैं और वो ये करती, कभी किसी ने नहीं सोचा था ये। तो
हमने जब ये काम सोचा करने का तो लोगों ने अप्रिशिएट तो नहीं किया उस वक्त, लोगों ने यही कहा कि यार ये कैसे होगा, बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन थी, बहुत ज़्यादा मुखालफत थी। लेकिन मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिक्रूटमेंट करता आया हूँ, तो मैंने हमेशा से ये देखा है कि अगर किसी आप लड़के को मिसाल के तौर पे किसी जॉब के लिए हायर करें तो वो एक कम सैलरी पे भी आ जाएगा, ठीक है जी, रात को 10 बजे तक ऑफिस में भी रुक जाएगा, लेट नाइट भी बैठ जाएगा, ट्रैवल भी कर लेगा, सुबह जल्दी भी आ जाएगा, चेक्स भी जमा करवाते हुए आ जाएगा, घर के बिल्स भी जमा करवा देगा। जबकि एक लड़की अगर हम जॉब पे रखेंगे तो वो 9 बजे आएगी और 5 बजे वो घड़ी देखना शुरू हो जाएगी कि उसने जाना है, क्योंकि मगरिब हो जाएगी, क्योंकि फिर उसके बाद उसको कन्वीनस नहीं मिलेगी। और बहुत से ऑड आवर्स में जॉब करने वाली ख्वातीन इस परेशानी का शिकार रहती हैं, रही हैं और रहती हैं। तो हमने जब इसके ऊपर काम शुरू किया तो हमने सबसे पहले ऑड आवर्स में जॉब करने वाली ख्वातीन को ढूंढना शुरू किया, मॉल स्टाफ। रात को 10:30 बजे मॉल बंद हो रहा है, क्लोजिंग होते होते दुकान की 11 बज गए, उसके बाद बाहर निकल रही हैं, एट्रियम मॉल में जॉब करती है सदर में और रहती है न्यू कराची में, कैसे जाएगी रात के 11 बजे। ओशन मॉल में जॉब करती है, औरंगी टाउन में रहती है, कैसे जाएगी। रेस्टोरेंट स्टाफ को ढूंढा, हॉस्पिटल स्टाफ को ढूंढा, नर्सेस को, सुबह 6-7 बजे छुट्टी हो गई, सर्दियों के दिन है, अंधेरा है बाहर, कैसे जाएगी, ठीक है। तो आनी शुरू हुई, आती गई, फिर बाद में ये पता चला कि ऑड आवर्स में जॉब करने वालियों की तो चलें ये मजबूरी है, ये ज़रूरत है। हमारी मुलाकात एक और सेगमेंट से हुई जो कि 9 से 5 काम कर रही हैं, लेकिन कह रही हैं सर 40,000 रुपये सैलरी में से 25,000 रुपये हम अपनी ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं, 20,000 रुपये अपनी ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं। एक खातून की कॉल आई कि जी मेरी 3 बेटियां यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, हम महीने के 60,000 रुपये उनकी सिर्फ आने जाने पर खर्च करते हैं। अब किसी घर में अगर 60,000 रुपये 3 बेटियों के सिर्फ ट्रांसपोर्ट पर खर्चा होता हो, आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हालत होगी। तो इनसे मुलाकात हुई, फिर उसके बाद 9 to 5 की लड़कियां भी आईं, फिर उसके बाद एक नया सेगमेंट हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ, हाउसवाइफ्स, कि जी हम पूरा दिन इंतज़ार करते हैं कि कब हमारा भाई आएगा, या हमारे वालिद आएंगे, या हमारे शौहर आएंगे, या कब बेटा आएगा, और उससे हम धनिया मंगवाएंगे, या उससे हम दही मंगवाएंगे, या हम शाम को उसको बोलेंगे कि सुबह जाते हुए ये बिल जमा करवा देना, ठीक है। फिर जाहिर सी बात है कि ऐसी चीज़ों में क्या होता है, एक तो एफिशिएंसी मुतासर होती है उस खातून की, उस औरत की, और एफिशिएंसी मुतासर होती है मर्दों की भी, क्योंकि जब मर्द इन्हीं कामों में लगे रहेंगे तो वो बाहर क्या जाएंगे। और ख्वातीन, अभी ये मैं एक टिपिकल जो हमारे यहाँ 95% सेगमेंट है ना हाउसवाइफ्स का, मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि वो अगर पीको करवाने के लिए वापस आएगा बेचारा काम से, कि जी उसको पीको करवाने लेके जाना है, बेचारा क्या ज़िंदगी गुजारेगा, आजकल वैसे ही नफसा नफसी का दौर है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई खातून घर की मोबिलिटी की तरफ आती हैं तो जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि पूरा घर सुकून में आता है। पूरा घर कैसे सुकून में आता है, वो ऐसे आता है कि इनके हस्बैंड USA में होते हैं, बहुत सारे काम जो उनको 6 महीने बाद आके करने होते हैं वो ये काम उसी वक्त कर देती हैं, ठीक है जी, प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना है, फलानी जगह से रेंट रिसीव करना है, सारे काम हो जाते हैं। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, फिर मदरसे जाते हैं, फिर ताइक्वांडो की क्लासेस लेने जाते हैं, आना जाना सब बाइक पे होता है। वालिद साहब की दवाइयाँ टाइम पे आ जाती हैं, सारे काम होते हैं। और हमारे यहाँ अमूमन ये कहा जाता है कि ये घर के सारे काम करती है, ये घर का बेटा है, आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत सुना होगा, मैंने भी सुना है, लेकिन मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा है, ये नहीं अच्छा लगा ना, दिल से बताएं, इसलिए कि क्या सिर्फ अच्छा बेटा ही हो सकता है, या अच्छा बनने के लिए बेटा होना ज़रूरी है। तो जब ये चीज़ें इनकी फैमिली से और लड़कियों की फैमिली से मैं सुनता आया, तो मैंने सबसे पहले तो उस चीज़ को कहा कि नहीं, ये बेटी ही है, ये वो काम कर रही है जो ये कर नहीं पाई, ठीक है, और अब ये वो तमाम काम करेगी इंशाल्लाह। तो वक्त बदल रहा है,
और हमने एक बहुत मुख्तसर सा सफ़र शुरू किया था। हमारे पास 14-15 लड़कियां थी जिनको हम मिन्नतें करके लेकर आए थे कि आ जाएं बाइक सीख लें, और वो कहती थी हमने नहीं सीखनी। अब माशाल्लाह से हमारे पास एनी टाइम जो करंट इनरोलमेंट होती है वो 450-450 लड़कियों की होती है ऑल ओवर पाकिस्तान, और 5 साल में 9,500 लड़कियाँ हमारी एक्टिव ऑन रोड बाइक चला रही हैं, और कोई जॉब करती है, कोई जॉब नहीं करती है, कोई बिजनेस करती है, और मज़े मज़े की ख़वातीन से मुलाकात हुई, ठीक है, हर सेगमेंट की, घर की मेड भी हैं तो टाइल की दुकान पे काम करने वाली भी हैं, ब्यूटी पार्लर वाली भी हैं तो फिटनेस इंस्टीट्यूट चलाने वाली भी हैं। ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है, ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जहाँ पर मेरी शागिर्द ना हो। तो बस थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों के कोई सवालात हों तो आप लोग प्लीज़ पूछ सकते हैं। आपकी जो शुरुआत थी, क्योंकि हम चाहेंगे कि आपको और तफसील से सुने, आपकी जो शुरुआत थी शुरू दिनों में, जो हमें, बल्कि मैंने और मेरी साथी जरीन ने भी प्रॉब्लम फेस किया था, हमने भी एक दो दिन शुरू दिनों में आपको ज्वाइन किया, तो ये कोई 2018 से पहले की बात है, और हमारे छोड़ने की वजह यही थी कि सी साइड जाना, क्लिफ्टन, नाजमाबाद से क्लिफ्टन जाना खासा हमें महंगा पड़ता था, और फिर आपकी फ़ीस भी अदा करनी होती थी वो भी ज़रूरी था हाँ उन्होंने कुछ बात नहीं की थी, जो था जेब में रख लिया था। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि नाजमाबाद या अतराफ़ के इलाकों में भी इस तरह की सर्विसेज दी जाएँ, इस तरह के सेंटर या जो भी आपका है तरीका, उसको करीब के इलाकों में? और दूसरी बात है कि बच्चियाँ जब मोटरसाइकिल सीख लेती हैं तो मोटरसाइकिल ख़रीदना भी एक महंगा अमल है, तो आपके पास इन बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए कुछ इस तरह के पैकेजेस या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, अनाउंसमेंट ही समझ लीजिए, ताकि यहाँ पे, क्योंकि अक्सरियत जो है ख़वातीन ने हमें ज्वाइन किया है, अच्छा होता कि मर्द हजरात भी हमें ज्वाइन करते और उन्हें हमारे मसाइल का अंदाज़ा होता, तो प्लीज़ थोड़ा सा ये भी आप बताइएगा। जी यकीनी तौर पर अगर हमने 5 सालों में सिखाया है तो हमने भी बहुत कुछ सीखा है, और हम हमेशा से बिल्कुल ओपन रहे हैं कि कहीं से भी हम कोई चीज़ सीख सकें। अच्छा, बाइक सीखने के लिए बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें, जहाज़ उड़ेगा तो कहाँ से उड़ेगा? जहाज़ उड़ेगा तो एयरपोर्ट से ही उड़ सकता है। अब कोई बोले कि नाजमाबाद से उड़ा दो, गुलशन से उड़ा दो, वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसको एक, जाहिर सी बात है, 3-3.5 किलोमीटर का एक रन अप चाहिए होता है, खुली जगह चाहिए होती है। अच्छा, जो बाइक सीखने वाली लड़की होती है ना, वो भी जहाज़ होती है, ठीक है। हमने जब ये काम शुरू किया तो हमारी सबसे पहली जो समझें एक बाउंड्री थी या जो थी, वो ये थी कि कोई फिज़िकल कांटेक्ट नहीं हो सकता किसी लड़की के साथ, ठीक है। बाइक सिखाने वाली लड़कियां नहीं थी ना, जो 3 लड़कियां बाइक चलाती थी उन 3 को भी मैंने बुलाया शुरू में, लेकिन उनसे हो नहीं रहा था, उनके बस की बात नहीं थी। चलाना और सिखाना बहुत एक डिफरेंट चीज़ें हैं, बड़ा सब्र चाहिए होता है आप लोगों जैसा ना सिखाने के लिए। गो के मुझे अक्सर लड़कियां कहती हैं, शिकवा करती हैं, मुझमें सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, तो हमने शुरुआत की डिफेंस से, उसके बाद चैलेंजेस हमने भी सीखे, फेस किए हमने, फिर उसकी जैसे जैसे जो है ना ज़रूरत बढ़ती गई और रिक्वायरमेंट बढ़ती गई है चीज़ों की, हमने ये देखा कि एक लड़की 2 दरिया आ रही है, नाजमाबाद से, गुलिस्तान जौहर से, गुलशन मेमार से, और आके हमें कुछ दे ना दे, क्योंकि हमारा तो उस ज़माने में ये था कि पैसे हैं ठीक है, नहीं है कोई मसला नहीं है, खाना रखा हुआ होता था, पानी रखा हुआ होता था, जूसेस रखे हुए होते थे, खाओ भी पियो भी, मज़े भी करो और जाओ, तिक्के, हाँ तिक्के खिलाए थे बिल्कुल। तो वो हमेशा से ही जो है वो हमारा जो ट्रेनिंग एरिया है वो उस पर लंगर खुला हुआ होता था, लेकिन ऑब्वियसली एक लड़की अगर आ रही है तो 2-3 बसें बदल के आ रही है, 90% लोगों को यहाँ पर DHA के रास्ते नहीं मालूम होते, फिर वहाँ डायरेक्ट बस नहीं आ रही है कोई, अगर वो रिक्शा या टैक्सी में आ रही हैं तो रिक्शा टैक्सी वाला जो है वो उनसे एक तरफ के 1,000-1,500 रुपये, 2,000 रुपये ले रहा है, 3,000-4,000 जाने आने में खर्च हो रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम थी। हमने फिर उसको एक्सपेंड किया और आइडेंटिफाई करते हुए कि हम कैसे कर सकते हैं इन चीज़ों को आसान, हमने मलीर में एक्सपेंशन की। मलीर में इत्तेफाकन हमें एयरपोर्ट के पीछे 2 ट्रैक्स भी मिल गए और हमें सिविल एविएशन की तरफ से इजाज़त भी मिल गई, क्योंकि वो यहाँ रोकने वाले लोग फ़ौरन आ जाते हैं।
तो हमने मलीर में एक्सपेंशन की, मलीर के बाद फिर हमने गुलशन में एक्सपेंशन की, गुलशन में हमारे ऊपर जो है वो फिर पथराव भी हुए, हमारे ऊपर जो है वो एसिड अटैक भी हुए, क्योंकि गुलशन में वहाँ आसपास मदरसे वगैरह थे और आसपास के बहुत सोसाइटी के लोग आ गए, तो फिर हमने गुलशन अपना डिसकंटिन्यू कर दिया। आपने भी गुलशन में ही ज्वाइन किया था? अनम गुलशन में ज्वाइन किया था? कहाँ पे ज्वाइन किया था? अनम का है, अनम वेयर इज अनम? अच्छा, आई थिंक अनम कहीं बाहर है। तो अनम ने भी गुलशन में ज्वाइन किया था, और उस वक्त होता ये था कि अनम आपने गुलशन में ज्वाइन किया था सबसे पहले? तो वहाँ जब हमने ये चीज़ फेस की तो उसको मैंने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हैंडल किया कि लोहा लोहे को काटता है, ठीक है। तो मैं कुछ अरसे के लिए जो है वो बैकफुट पे चला गया, ख्वातीन को मैंने आगे कर दिया। अब जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लोग आते थे वो जो देखते थे ख्वातीन 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 वापस चले जाते थे। और फिर दूसरे ये कि हमने उन्हीं की जो कम्युनिटी की या उन्हीं की जो फैमिली की जो ख्वातीन थी उनको हमने टारगेट किया कि ये सीख गई तो फिर सबकी ज़िंदगी आसान है। फिर हम आए मास की तरफ, और मास क्या है? वही गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया, कराची के जो हाईली पॉपुलेटेड इलाके हैं। गुलशन इकबाल में अल्लाह का शुक्र है कि अभी पिछले कोई 3 साल से अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग चल रही है, और वो गुलशन इकबाल का जो हमारा ट्रेनिंग एरिया है वहाँ पर कराची के हर इलाके से बसेस भी आती हैं, और कन्वीनियंट भी है। सब ने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी देखी हुई है। अगर मैं बोलूँ कि भाई इमार क्रिसेंट बे देखा हुआ फेज़ 8 में, शायद 100 में से किसी एक को पता हो, लेकिन उर्दू यूनिवर्सिटी, बैतुल मुकर्रम मस्जिद, ये सबको पता होता है यूजुअली कराची में रहने वालों को। तो वो एक एक्सेसिबल जगह है, वहाँ हमारी तकरीबन 90% ट्रेनिंग हो जाती है, और फिर उसके बाद 10% हमारी रोड ट्रेनिंग होती है। तो एक तो ये कि एक्सेस आसान हो गया है शहर के दूसरे इलाकों से, दूसरी चीज़ के वक्त के साथ साथ हमारी भी मजबूरी थी अपने चार्जेस बढ़ाना, अपनी फ़ी बढ़ाना, हमने बढ़ाई। लेकिन फिर उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने मदद की और कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी हमारी हेल्प की कि हमारे पास जो है वो CSR एक्टिविटीज़ आना शुरू हुई, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जिन्हें कहते हैं, और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आई, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट शुरू हो गई। हमने एक प्रोग्राम चलता है साल में एक दफ़ा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट बोर्ड, तो उसके अंडर भी हम लोग जो है वो लड़कियों को अब ट्रेन कर रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें जो है वो स्टिपेंड भी मिलता है, सारी चीज़ें होती हैं। और फिर उसके साथ साथ, लेकिन वो साल में एक दफ़ा आता है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं हमारे बारे में बाहर के लोगों को भी पता चला, तो USA में एक यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, तो उसकी PhD रिसर्च की स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास आई, और उन्होंने कहा जी हम PhD रिसर्च कर रहे हैं वुमेन मोबिलिटी के ऊपर। तो मैंने कहा जी इसमें स्टूडेंट्स का क्या फ़ायदा है या हमारा क्या फ़ायदा है? तो उन्होंने कहा कि जी हम स्टूडेंट्स की फ़ी पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो एक कोने में खातून बैठी हुई है ना, इनकी बदौलत जो है वो अब आने वाली लड़कियों के लिए ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि 12,000 रुपये हमारी फ़ी है, 12,000 पे नहीं कर सकती कोई मसला नहीं है, 3,000 रुपये पे करें, और 3,000 रुपये भी हमने जानबूझ के रखा है। अदरवाइज़ जो 12,000 में से 9,000 पे करें वो 12,000 भी दे सकते हैं, लेकिन बात यह है कि थोड़ी सी ओनरशिप लेनी चाहिए। तो 12,000 नहीं पे कर सकती, 3,000 रुपये पे करें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी रसाई आम लड़कियों तक नहीं है, जैसे कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। लाइसेंस का हुसूल बड़ा मुश्किल है, लोगों को लगता भी है और है भी, लाइसेंस हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लाइसेंस ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, 12,000 रुपये के बजाय 3,000 रुपये की ट्रेनिंग है। और उसके बाद फिर सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि बाइक कैसे ख़रीदी जाए, क्योंकि यहाँ तो हर चीज़ ही महंगी हो रही है ना। एक बाइक हम देखते थे, नई नई आई थी खूबसूरत, जब हमने
यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू की थी जी, 17,000 रुपये की बाइक थी स्कूटी। उस 17,000 की बाइक इस वक्त 1,75,000 रुपये की है। उसी में एक दूसरा मॉडल आया था यूनाइटेड की 100cc, जो उस वक्त 36,000 रुपये की थी, वो इस वक्त 2,70,000 रुपये की है। वेस्पा तो छोड़ देना, वेस्पा तो इस वक्त विंटेज में आ गई है, विंटेज में आ गई है, तो 1977 का मॉडल 6,00,000 रुपए का बिकता है। नहीं, मैं बताता हूँ इसमें भी। नॉर्मल मोटरसाइकिल जो थी वो जो 30,000 रुपए की मिल रही थी, वो इस वक्त 1,10,000 रुपए पहुंच चुकी है। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है हमारे जहन में, हर लड़की से आप पूछें, दो तरह की लड़कियां हैं, एक वो जो बाइक चलाना जानती है, ठीक है, दूसरी वो जो बाइक चलाना नहीं जानती। तो दो तरह की लड़कियां हैं, एक जो बाइक चलाना नहीं जानती उससे आप पूछेंगी और पूछा जाएगा, जरा तवज्जो दीजिएगा जो पीछे बैठी हुई है, ये जरूरी बातें बाद में कर लीजिएगा प्लीज, एक्सक्यूज मी, पीछे वाले, अगर उस लड़की से पूछा जाएगा जो बाइक चलाना नहीं जानती, तो वो जवाबन कहेगी कि स्कूटी ज़्यादा अच्छी होती है, ये नहीं कहेगी कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर आप मिसाल के तौर पे नीचे एक पंक्चर वाला बैठा हुआ है, उससे जाके पूछें कि यार पाकिस्तान की मईशत इतनी ख़राब क्यों चल रही है, वो ये नहीं कहेगा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, बल्कि वो मईशत के बारे में आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करेगा जितना उसका ज़र्फ़ है या जितना उसके पास मालूम आता है। सवाल जवाब पे हम लेंगे, पहले फुलम साहब बात करें। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप बोले कि मैं भूल गई। भूल जाती हैं तो फिर कर लें, फिर मैं इसका जवाब दूंगा बाद में। पूछे सवाल। कहाँ रहती हैं? शेरशाह में हमारी इस वक्त 30 के करीब राइडर्स हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं आपके सवाल का लाजमी जवाब दूंगा, मैं लाजमी जवाब दूँगा। जी जी, बेफिक्र रहें, आप तशरीफ़ रखें, इसका जवाब लाजमी दिया जाएगा। तो जो पहले नंबर की ख़वातीन है, जब जिनको नहीं चलानी आती, जिनको नहीं पता कुछ भी, वो कहेंगी जी मैं, हमें स्कूटी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए कि वो लगता है कि वो ईजी है। अच्छा, एक जिन्हें चलानी आती है, बाकायदा तौर पर चलानी आती है, उनसे पूछेंगी तो 100 out of 100 ख़वातीन ये कहेंगी जी मोटरसाइकिल ज़्यादा बेहतर है। कहा जाएगा कि नहीं यार वो तो मुश्किल है, वो कहा जाएगा जी और मुश्किल लाओ, मेरे लिए जो है वो हैवी बाइक लेकर आओ, मेरे लिए चॉपर लेकर आओ, मेरे लिए 1000cc लेकर आओ, 2000cc लेकर आओ। वो कभी भी नहीं कहेगी कि स्कूटी अच्छी होती है, ठीक है, ये एक है। अच्छा, मैं मज़ीद इसको क्लियर यूं कर दूं, स्कूटी दुगनी महंगी है, मैकेनिक मिलेगा नहीं, पार्ट्स मिलेंगे नहीं, प्लास्टिक बॉडी है, कराची की सड़कें हैं, टूट गई फूट गई ख़त्म। एक ज़माने में ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर आए थे, बड़े खूबसूरत लगते थे, कामयाब हुए पाकिस्तान में? नहीं कामयाब हुए। जिस घर में बच्चा होगा वो 2 दिन में उस ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर की खूबसूरती ख़त्म कर देगा। तो एनीवे, जब आप लोग इस चीज़ को सीखेंगे, इल्म हासिल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को उस वक्त मेरी ये बात समझ में आएगी, अभी नहीं समझ में आएगी। अच्छा, मैं इन खातून का जवाब दे सकता हूँ अभी, ऐसा ना मैं भूल जाऊँ। देखें, बात यह है कि जब शुरुआत हुई थी ना, तो हमने इसका एक लेवल डिफरेंट रखा था, लेकिन अब इसका लेवल हमने वो रखा है कि यार जो घर से बाहर निकल रही है, चाहे अपनी किसी निजी ज़रूरत के लिए निकल रही है, चाहे जॉब करने के लिए निकल रही है, चाहे पढ़ने के लिए निकल रही है, उसके पास इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार जिसे कहते हैं सही मायनों में, रिस्पेक्टेबल और इकोनॉमिकल भी होना ज़रूरी है ना। सबसे अच्छा तो ये है कि जी घर से बैठे यार राइड बुक करवाई, चली गई एसी में बैठ के, ठीक है, तो
خود مختاری کے ساتھ ساتھ اکنامیکل ہونا ضروری ہے، وہ سواری ہونی چاہیے. اچھا، نارملی ہم نے پورا سینسس کیا ہوا اس چیز کے اوپر، بائک جو ہے وہ کوئی 5 روپے پر کلو میٹر کاسٹ کرتی ہے، ایک 70 cc بائک 5 روپے پر کلو میٹر. اچھا، اور جس رکشہ والے کی آپ منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں، بھائی اتنے نہیں اتنے لے لو، اور وہ آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہوتا ہے نا سیلیبریٹی کی طرح، وہ آپ کو 30 روپیز پر کلو میٹر چارج کر رہا ہوتا ہے یوزلی. یعنی کہ ایک چھوٹا سا ڈسٹینس ہے 4-5 کلو میٹر کا، جہاں اپنی بائک پہ آپ 25 روپے میں پہنچیں گی، وہ آپ سے چارج کر رہا ہوتا ہے 150 روپے. اور یہی بچت مہینے میں کئی ہزار کی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، اب دیکھیں سب سے پہلی چیز آپ کے سوال کا جواب دوں میں، آپ کے گھر والے اس چیز کے لیے آمادہ ہو جائیں گے؟ ہاں، آپ کے گھر والے اگر آمادہ ہو جائیں گے تو آپ کے گھر والوں کے علاوہ آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے آپ کو. آپ کی ویسے تو اپنی زندگی ہے، لیکن آپ کے گھر میں جو ہے نا ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اب جب آپ اپنے گھر میں ٹینشن فری ہیں، گھر والے آمادہ ہو جائیں گے، تو پھر کیا پرابلم ہے؟ پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ جاب کرتی ہیں، گھر کا خرچہ بھی چلاتی ہیں، گھر چلا سکتی ہیں، بائک نہیں چلا سکتی ہیں. کس کی بات؟ بائک اسٹارٹ کریں، ہیلمٹ لگائیں، کسی کی آواز نہیں آئے گی آپ کو. اور یقین جانیں یہ پہلے دوسرے دن تیسرے دن ڈر ہوگا آپ کو، چوتھے دن آپ کو اس علاقے کی خواتین اپنا رول ماڈل بنا کے بیٹھی ہوئی ہوں گی. اور اکثر وہ ہوتی ہے نا، یہ تو ہماری آنکھوں دیکھی چیز ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاں یار، یہ میں بلکہ انم کو بتا رہا تھا، یار وہ بلڈنگ ہے کارنر پہ بریانی والا بیٹھا ہوا ہے، اس بلڈنگ میں آ جائیں. بخدا، کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں، آپ سے کوئی بیٹھ جائیں آپ سے کوئی ملنے آئے گا، ڈھونڈنے آئے گا نا، یا اس علاقے کا کوئی ہوگا، بیٹھ تو جائیں، تو وہ بولے گا یار وہ فلانی گلی ہے، وہاں پان والے سے پوچھنا، وہ بائک چلانے والی لڑکی ہے نا، اس کے برابر والا گھر ہے. بخدا ایسا ہوگا. تو اگر ہم پوچھیں لوگوں سے کہ جی وسیم اکرم کا گھر کدھر ہے، جاوید میاداد کا گھر کدھر ہے، نہیں پتا ہوگا، صرف وہاں کے علاقہ مکین کو پتا ہوگا. آپ اپنے علاقے کی جاوید میاداد بن جائیں گی، ٹھیک ہے؟ صرف آپ کو اپنے اوپر یقین کرنا ہوگا، اور ہماری باتوں پہ یقین کرنا ہوگا. اور ہماری باتوں پہ یقین کرنا آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں، اگر یہ بات پہلے کی ہوتی تو ایک الگ چیز تھی، ہوا کی باتیں تھیں. اب تو 9500 لڑکیاں آپ ہی کی طرح جیتی جاگتی ٹرین ہو چکی ہیں، سڑکوں پہ چلا رہی ہیں. اب تو اللہ کا شکر ہے، اب اس وقت ہمارے لیے مشہور ہے کہ بس صرف سانس چل رہی ہو، نبض چل رہی ہو، ہم ٹرین کر دیں گے. باقی آپ کے دماغ میں کیا ڈاؤٹس ہیں، آپ کے دل و دماغ میں کیا ڈر ہیں سوسائٹی کو لے کے، گھر والوں کو لے کے، وہ سب کا علاج ہمارے پاس ہے. ان سب چیزوں سے لڑنا سکھائیں گے، ان سب چیزوں کا سامنا کرنا سکھائیں گے. صرف یہی نہیں ہے کہ کلچ کیا ہے، بریک کیا ہے، گیئر کیا ہے، اسپیڈ کیا ہے، وہ سب چیزیں ہوں گی. اور یقین جانیں کہ صرف پہلے 4-5 دن آپ کو ٹینشن ہوگی. 4-5 دن آپ بول رہی ہوں گی کہ یار میں بھی کیا تھی یار، اتنا ٹائم ضائع کر دیا، یہ بولتی ہے. اور ابھی اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے، ایک پھل والے نے جو ہے وہ اپنا سب سے اچھا پھل جو ہے نا ٹھیلے پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو نہیں بیچ رہا ہوتا، لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں، باقی پھل دے رہا ہوتا ہے. تو میں بھی ہر گیدرنگ میں اپنا کوئی نہ کوئی ایک پھل لے کے آ جاتا ہوں کہ میری باتوں پہ شاید کسی کو یقین آئے نہ آئے، تو سامنے ایک ہوتا ہے وہ اپنی سٹوری بتائے کہ ہاں بھائی میں بھی ایسی ہوں، تمہارے جیسی ہی ہوں، کوئی سپر ہیومن نہیں ہوں، میں چلاتی ہوں، اتنے سال سے چلا رہی ہوں. ہسبینڈ آتے ہیں یو ایس اے سے، ہسبینڈ کو لے کے جو ہے وہ باہر گھوم رہی ہوتی ہیں بائک پہ، ہسبینڈ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ڈر کے مارے، کیونکہ یو ایس اے کی ٹریفک کے عادی ہیں وہ، اور یہ ان کو کبھی یوں لٹا کے چلا رہی ہیں تو ایسے چلا رہی ہیں تو ویسے چلا رہی ہیں، اور ہسبینڈ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سی ویو لے کے جاتی ہیں، کھانے پہ لے کے جاتی ہیں، ہر جگہ لے کے جاتی ہیں. تو یہ سب ہو جائے گا. فاطمہ کے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ فاطمہ کے آنے کا مقصد یہ ہے، ہماری کولیبریشن ہوئی ہے ریسنٹلی، آپ کی ٹریننگ فیس سبسڈائز ہو جائے گی،
आपकी बाइक सब्सिडाइज हो जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें जो आपने आज तक सिर्फ और सिर्फ सोची थी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी और बड़े मज़े से मिल जाएंगी। ठीक है जी, और किसी का कोई सवाल है? वेस्पा क्यों नहीं? वेस्पा एक अदद स्कूटर लॉन्च हुई थी अर्ली 70s में इटली में, इटली इटालियन ब्रांड है गालिबन वो। अच्छा, बात यह है कि हर जगह की जो जो कद काठ होता है ना, वहाँ का फ़र्क होता है। इटली, जर्मनी, यहाँ पर ख़वातीन में बड़ा पॉपुलर हुआ ये ब्रांड, ख़वातीन ने चलाई भी, और उन्होंने कहा जी ये ख़वातीन के लिए है। पाकिस्तान में जब ये आई तो दो वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट कामयाब नहीं हुआ, ख़वातीन में लॉन्च ख़वातीन के लिए ही हुआ था। लेकिन उसके बाद सारे के सारे जो आपने देखा होगा ना, 6 फुट्टे बिल्कुल जो टशकरे टाइप मर्द हैं, उन्होंने ही चलाई है। किसी आपने यंगस्टर, किसी नाजुक से बच्चे को भी नहीं चलाते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि कोई मोहल्ले का दूध वाला है, कसाई है, कोई अंकल हैं, हमारे फुप्पा हैं सबसे बड़े, वो चला रहे हैं। दो वजूहात की बिना पर ये कामयाब नहीं हुई। पहली चीज़, इटली, जर्मनी, यहाँ पर जो ख़वातीन के कद काट हैं नस्बतन बेहतर होते हैं, पाकिस्तान में वो कद काट नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, 100% ख़वातीन को साइकिल चलानी आती है, 100% ख़वातीन को साइकिल चलानी आती है। यहाँ 97% ख़वातीन को साइकिल चलानी नहीं आती है। तो वहाँ जब उनको कहा गया कि ये टू व्हील ही उनको जो है ना ऐसा लग रहा होता है माउंट एवरेस्ट पे खड़ी हुई हैं, वो टू व्हील पे बैठने के बाद ऐसा उनको लगता है कि जैसे माउंट एवरेस्ट पे बैठी हैं, गिर जाऊंगी तो पता नहीं बचूंगी नहीं बचूंगी। वो जो टू व्हील बचपन से चला रहा होता है या चला रही होती है, उसको ये चैलेंज नहीं होता है। चलाई, मज़े से चलाई उन्होंने। अब यहाँ पर एक एवरेज हाइट है। हमारी एक सोच है कि हम हमेशा अपने से नीचे की चीज़ को देख के एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार यही सही है, ठीक है, टारगेट नहीं करते हैं कि हम उससे ज़्यादा करें। फार ईस्ट का प्रोडक्ट आया स्कूटी, वो ऐसा है कि आप लोगों ने आपने दिल से लगा लिया उसको। स्कूटी, स्कूटी देखने में किस किस को अच्छी लगती है ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है, हाँ, इट इज़ रियली अट्रैक्टिव, उसको दिल से लगा लिया। वजह यह है कि फार ईस्ट में ख़वातीन की एवरेज हाइट होती है 4'6", 4'7", 4'8", जो हमारे यहाँ उमूमन 1-10 साल के बच्चे की होती है, और मर्दों की हाइट भी 5'2", 3" से ज़्यादा नहीं होती है फार ईस्ट में। तो वहाँ एक लो हाइट, लेसर वेट, नस्बतन आसान ऑटोमेटिक एक चीज़ बनाई गई जो वहाँ चलती है। वियतनाम में मैंने देखी, थाईलैंड में देखी, लेकिन वो जब पाकिस्तान में लॉन्च हुई तो वो पाकिस्तान में कामयाब नहीं है, कामयाब नहीं है। आपको देखने में जितनी चाहे चीज़ें अच्छी लगे, लेकिन आपकी रसाई मुश्किल है। दूसरे ये कि वो आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर किसी ने लेनी होती है तो मैं अल्फाज में, ठीक है यार जाओ लो। आज तक मैंने कभी, बहुत सारी लड़कियां मैंने ऐसी देखी जिसने स्कूटी ली और उसके 6-8 महीने बाद, साल बाद बाइक ले ली, आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं देखी जिसने एक नॉर्मल मोटरसाइकिल खरीदी हो या बाइक खरीदी हो और उसने उसको बेच के फिर स्कूटी ली हो। ठीक है, बोले बोले प्लीज। कीमत डबल है, कीमत डबल है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। एक 220 रुपए का इंडिकेटर का जोड़ा, पैर जिसे कहते हैं, नॉर्मल मोटरसाइकिल का आ जाता है, 50 रुपए मजदूरी लेता है मैकेनिक। और एक स्कूटी का जो पैर है वो यहाँ मिलता नहीं है, दराज वराज या अली एक्सप्रेस से मंगवाते हैं, या कोई अगर इंपोर्टर दे भी रहा होता, 2200 रुपए का, 1800 से 2200 रुपए का। ठीक है, पहली चीज। प्लास्टिक बॉडी है, टूट जाए, खराश आ जाए, रिपेयर नहीं होती है। फिर एक्सीलेटर वायर टूट गई, बाइक की एक्सीलेटर वायर बाहर से चल रही है, कौन कौन चलाता है मोटरसाइकिल यहाँ पर, सभी चलाते होंगे ना, 100 रुपये मजदूरी दे दें मैकेनिक को, काफ़ी है ना, खुद भी लगा लेते हैं। स्कूटी में पूरा अगला हिस्सा खुलेगा, 2500 से 3000 रुपये मजदूरी लेगा। इसके अलावा गली मोहल्ले का मैकेनिक हाथ नहीं लगाएगा, अकबर रोड जाएगी, सुजुकी लोटर के अंदर वो जाएगी, क्योंकि रिक्शा में आप
उसको लगाते हुए डरेंगी ना, खराशे ना आ जाएं, लोडर के अंदर जाएगी और वहाँ से चल के प्रॉबेबली आ जाएगी और 2500 रुपए वो मजदूरी लेगा। तो अपने आप को झंझटों में क्यों सवार करना है एक ऐसी चीज़ के लिए जो कि फीजिबल नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि यार फिर क्या करें। ओ भाई, नॉर्मल मोटरसाइकिल चलाएं। नॉर्मल मोटरसाइकिल चलाने में कोई पहलवानी नहीं है, ज़्यादा आसान है, ज़्यादा अच्छी है। वही वाली बात कि जब तक आप लोग सीखेंगे नहीं तब तक शायद इस पॉइंट को ना समझ पाएं। लेकिन मैं इसीलिए अपने गोदाम का सबसे अच्छा तरबूज ले आया हूँ, ठीक है, कि ताकि आप देखें कि बोले हाँ वाकई लाल है। शी हैज बीन राइडिंग सिंस 3 ईयर्स, और ऐसा नहीं है कि ये टॉम बॉय है, ये तो बाकायदा टिपिकल वाली औरत है, ठीक है, और मज़े से चलाती है। बल्कि मुझे कहती है आपको चलानी नहीं आती, छोड़ें आप। वेस्पा, अच्छा वेस्पा का मैं बताता हूँ। वेस्पा हमारे यहाँ इसलिए कामयाब नहीं हो पाई कि वो 150 सीसी है, सुनिएगा 150 सीसी है, बहुत हैवी है, इंजन उसका एक तरफ है, 150 सीसी है, डायरेक्ट 150 सीसी है। जब आप सीख लें, इस काबिल हो जाएं, तो अगर आप वेस्पा लेना चाहें तो आप बिल्कुल वेस्पा चलाएं। हमारी दो लड़कियां वेस्पा चलाती हैं और बहुत अच्छी है। हमारी एक लड़की तो अलीना लोबो, उसके फादर जो हैं वो ब्रिटिश काउंसिल में काम करते थे, उनकी डेथ हो गई तो वो उन्होंने अपने जो है ना वो उसको दिल से लगा के रखा कि जी मेरे फादर की वेस्पा थी, मैं सीखना चाहती हूँ। उसने सीखी और अब वो डेली अपने ऑफिस आती जाती है, वो किसी बैंक के लिए गालिबन जॉब कर रही है, वो वेस्पा पे आती है, वेस्पा चलाती है। तो वेस्पा आप बिल्कुल चला सकती हैं, लेकिन बता रहा हूँ कि वेस्पा डिसकंटिन्यू हो चुकी है पाकिस्तान में आना, और 77 का मॉडल 7 से 8 लाख रुपए का मिलता है, विंटेज बाइक में आ गई है वो, तो ऐसा नहीं है कि अब आपको 2023 का मॉडल मिल जाएगा। सेकेंड हैंड 7-8 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, बुरी कंडीशन में भी 3-3 लाख रुपए की है। लेना चाहें बिल्कुल लें, ज़रूर लें, चलाएंगी वेस्पा। हाँ, आप कुछ पूछ रही थी। बहरहाल मेरी तरफ से तो इतना पार्ट हो गया जी, फरमाइए। स्कूटी हो, हालांकि आपका सारे पास सही है, उसके पार्ट्स नहीं होते, इसके मसले में सारे बढ़े जाते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ जिस घर में स्कूटी है आप तो डिस्करेज कर रहे हो ना स्कूटी को, जिस घर में है तो माशी हालात को देखते हैं तो मोटरसाइकिल पे क्यों हो जाता है, बता दो बैठे। अच्छा, आप सब खवातीन टेलर के पास जाती होंगी, तो पहले आप बेल खरीदती हैं, बटन्स खरीदती हैं और उसके बाद उसकी मैचिंग का कपड़ा पूरी दुनिया में ढूंढती फिरती हैं, ये पहले कपड़ा खरीदती हैं और उसके बाद उसकी मैचिंग का बेल ढूंढती हैं, रॉ मटेरियल ना। सुनिएगा, तामुल से सुनिएगा, होता ये है कि पहले सीखी जाती है, जो मैं तरीकाकार बता रहा हूँ, जो हो गया सो हो गया, उसका भी मैं सोल्यूशन बताता हूँ। पहले सीखी जाती है, उसके बाद जो आपकी राइडिंग कैपेसिटी है या जो आपकी राइडिंग कैपेबिलिटी है या जो अटायर आप ऑन अ रेगुलर बेसिस इस्तेमाल करती हैं, उन सब पे बेस करते हुए फिर आप अपनी चीज़ खरीद, और जो आपका बजट है फिर आप अपनी चीज़ खरीदती हैं। मिसाल के तौर पे बोरी ख़वातीन एक अदद अबाया, टिपिकल अबाया होती है उनकी, उसको कहते हैं रिदा। यहाँ आसपास आप बहुत देखेंगी क्योंकि यहाँ पर शबीराबाद है और शबीराबाद में बाइक चलाने वाली 100% ख़वातीन हमारी स्टूडेंट हैं, वो रिदा पहनती हैं जो कि निस्बतन आम अबाया से ज़रा निस्बतन फिटेड होता है। तो जब वो रिदा पहनती हैं तो उसमें उनको दुश्वारी होती है कि वो ऐसे करके बैठ के जो है ना वो बाइक चलाएं, तो और उनको रिदा पहननी होती है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, उनको खाब पहननी पहननी है। तो वो जब हमारे पास आती हैं वो यही कहती हैं कि हमने तो स्कूटी ही चलानी है चाहे कुछ भी हो जाए। उसमें मैं कहता हूँ ठीक है, चलाएं आप स्कूटी, 2 लाख की भी हम खरीद लेंगे,
कोई मसला नहीं है। तो अटायर भी इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर आप नॉर्मल अबाया पहनती हैं, नॉर्मल अबाया पहनती हैं, तो आप हैवी बाइक भी चला सकती हैं, लेकिन रिदा क्योंकि थोड़ी सी तंग होती है। अच्छा, तो जो मैंने पॉइंट बताया कि पहले हमेशा कपड़ा खरीदते हैं, उसके बाद मर्जी की चीज़ें जो भी आपके हिसाब की चीज़ें होती वो खरीदते हैं। अच्छा, अब क्योंकि बेटी जो है उसके लिए स्कूटी ली जा चुकी है, क्या वो चलानी शुरू कर दी है उसने? क्या एज है बच्ची की? एज क्या है? 24। और कद काठ कैसा है? माशाल्लाह, ठीक। स्कूटी चलाए वो? बिल्कुल चलाए। देखें, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिएगा, आपने 10-10 11-11 साल के बच्चों को बाइक चलाते हुए देखा है? उनके बाइक पे पाँव पहुंच जाते हैं, वो कैसे चला लेते हैं? जज्बा। उनके दिमाग में नहीं, ये चीज़ें फीड नहीं की जाती हैं कि नहीं कर सकोगी। भाई मेरे पास एक लड़की है, अब तो बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट लड़की हमारी 4.5 फुट की, 4'6", उससे तो शायद लंबी ही होगी आपकी बेटी। 4'6" हाइट की लड़की मेरी सुजुकी GS 150 चलाती है, पाँव उसके भी नहीं पहुँचते हैं। देखिए, बाइक पे पाँव पहुँचना ज़रूरी नहीं है, बाइक को चलाना ज़रूरी है। फिर जब बाइक जब रुके तो बाइक को एक तरफ झुका के एक पाँव की एक टो भी लग जाए, बहुत है। अच्छा, खैर, वो स्कूटी चलाए, मैं स्कूटी की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक चीज़ आपके फ़ायदे की नहीं है। हाँ, अगर दिल मानता ही नहीं है ना उसके बगैर, ठीक है, करें, शौक पूरा करें। बाज़ोकात, जी बोले, हाँ, तो बाज़ोकात इंसान ज़िंदगी में ऐसे फ़ैसले भी करता है जो कि उसके लिए फीज़िबल नहीं होते हैं लॉन्ग रन में, लेकिन वो करता है, दिल के हाथों मजबूर होता है, ठीक है। पेरेंट्स समझा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी दिल के हाथों मजबूर होता है। तो स्कूटी भी एक ऐसा ही है, ज़रूर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिसने नहीं ली है अभी तक, उसको मैं यही कहूँगा कि छोटी हो, लंबी हो, मोटी हो, दुबली हो, एज कोई भी हो, पहले सीखें, सीखने के बाद जो आपकी कैपेसिटी बन रही है उस हिसाब से लें, चाहे स्कूटी लें, चाहे YBR लें, हैवी बाइक लें, नॉर्मल मोटरसाइकिल लें, चाहे नहीं लें, लेकिन सीखने के बाद। जी, आप कुछ फरमा रही थी। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ बड़ा इंटरेक्टिव सेशन है, लोग सवालात पूछ रहे हैं। अच्छा, माइक का थ्रो नहीं आ रहा, माइक की आवाज़ नहीं आ रही है, वो माइक सिर्फ रस्मन उनके हाथ में है, ऑन नहीं है। जी बोलें प्लीज। जी फरमाएं। मैं कह रही थी कि सबसे पहले तो मैं हस्बैंड रिसोर्स है, फोरम है उनका, और किंग राइडर्स पाकिस्तान, आप दोनों फोरम्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपके ऐसे टॉपिक्स, मैंने पहले भी इनका सेशन अटेंड किया था, ये वो टॉपिक्स हैं जिन पर बात होनी चाहिए, बहुत की ज़रूरत है, और उस पर हम लोगों को इकट्ठा किया था, तो उसके लिए मैं इनसे मशहूर हूँ आप दोनों फोरम्स की। और सेकेंडली मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम 15-20 मिनट लेट आप पहुँचे थे, तो हो सकता है इससे पहले वो आपने की वो जो हमने मिस की है। और मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे पाकिस्तान के देखें मौसम भी खराब है, और जो हमारे ग्रामों की कैफियत है, जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मेरे टीनएजर्स बच्चियाँ हैं वो बाइक चलाएँ, मेरे हस्बैंड कहते हैं लड़के चढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो कुछ चीज़ें हम करना चाहते हैं, कुछ हम अपनी सोसाइटी के दबाव से नहीं कर पाते, फाइनेंशियली भी ऑफकोर्स बाइक लेना अब जितनी महंगी होती जा रही है हर एक के बस की बात नहीं है, तो क्या कोई ऐसे सेशन आप करते हैं कि जो कोई घूम घूम की कैफियत में लोग हैं, बच्चियाँ हैं या उनके खासतौर पर पेरेंट्स, और बहुत दफ़ा लोग जब ये मदर्स डे या वुमेन इशूज़ की बात करते हैं तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि वुमेन के बारे में वुमेन से ही बात नहीं करती, बल्कि मेल फीमेल बिल्कुल सही दोनों के लिए के बात करें, जो हमारे मसाइल हल करने में मदद कर सकते हैं हमारे साथ। तो इसी तरह बाइक चलाने के लिए स्पेसिफिक करें जिस चीज़ को वुमेन राइडर्स जिनको हम इंकरेज करना चाहते हैं या हम यहाँ से सीखे, हमें मोटिवेशन मिलती है कि ओके वी कैन टेक अ राइड, बिकम अ राइडर आवरसेल्फ, सो वी कैन यू नो एनकरेज आवर
children or daughters. तो क्या बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप सबसे पहली बात तो ये कि आपके इस पॉइंट पे मैं 100% एग्री करूँगा कि सिर्फ ख़वातीन से ही ख़वातीन की बात नहीं होनी चाहिए, ख़वातीन की बातें जो है वो उनके घर के मर्दों से भी होनी चाहिए और वाइस वर्सा है, यानी कि मर्दों से मर्दों की बातें नहीं करें, जो उनके घर की ख़वातीन है वो भी बात किया करें, क्योंकि आजकल नफ्सा नफ्सी हर दूसरा बंदा जो है, बल्कि हर दूसरा क्या सब जो है ना कहीं किसी न किसी लेवल पर डिप्रेशन का शिकार हैं। आपने जो सवाल पूछा तो बिल्कुल हमारे ऐसे सेशंस भी होते हैं और डोनेशंस भी होते हैं, जहाँ कोई बिल्कुल अफोर्ड ना कर पाए, ट्रेनिंग तो चलें वो हम कर लेते हैं, ट्रेनिंग पार्ट हमारा है, उसके बाद जो ट्रेनिंग के बाद बाइक वाला वो भी हो जाता है। बहुत सारे दुनिया में जो है वो अच्छे लोग हैं और बाइक्स भी आ जाती हैं, फ्यूल वाउचर्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस पर काम होता है, बिल्कुल आप बिल्कुल बेफिक्र होते हैं। अच्छा, मैं अभी मुझे एक मिसाल याद आ गई, वो पूछ रही थी कि मैं जब बाइक चलाऊंगी या चले मैं सीख लूंगी, वहां आके सीख लूंगी, मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं अपने इलाके में कैसे निकलूंगी। ये यकीन जाने ये वाकई चैलेंज है, मैं ये नहीं कह रहा ये कोई चैलेंज नहीं है। आप हमारे ट्रेनिंग एरिया में आ गई, वहाँ हर लड़की बाइक चला रही है, आपने भी चला ली, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफर्टेबल हो गई, लेकिन मोहल्ले में शैला आंटी हैं जो हमेशा अपनी छत पे रहती हैं, सामने दूध वाला है वो देख रहा होगा, पान के खोके पे चार पांच लोग हमेशा खड़े रहते हैं, उनके सामने से मैं कैसे गुजरूंगी, यही चीज़ है ना। और खुदा न खास्ता मैं वहाँ गिर गई तो मैं सारी ज़िंदगी इस घर में वापस नहीं आऊँगी, यही होता है ना, यही होता है। मोबाइल किसी का गिर गया, यही डर होता है ना, इससे ज़्यादा तो और कोई डर नहीं होता। इस सवाल का जवाब कुछ मैं दे देता हूँ, लेकिन सही मायनों में अनम आपको बताएंगी कि क्या उन्हें फील हुआ था। कुछ जो मैं जवाब दे रहा हूँ ना वो ये है, अनम ये आप नोट करके रखिएगा अपने पास, कि यकीन जाने कोरोना जब आया, लॉकडाउन हो गया, उस वक्त तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी खाना नहीं बनाया था। अच्छा, कोरोना में लॉकडाउन में सबने सारे काम किए, तो कॉफ़ी बनाना, अंडा उबालना, इससे ज़्यादा मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। अब बंदा कितना सोए, जो एक 24 घंटे में से 16 घंटे 18 घंटे काम करने वाला बंदा हो वो क्या करे, कितना सोए, कितनी मूवीज़ देखे, वही घर वालों की शक्ल देखता रहे देखता रहे, क्या करे, चलें जी इबादत कर ली, कितनी इबादत, अब क्या करें। मैंने ऐसे ही जो है वो उठा और खाना बनाना शुरू कर दिया। बीवी ने मेरी बोला क्या क्या कर रहे हैं आप, कोशिश कर रहा हूँ। लकीली वो खाना बहुत अच्छा बन गया, चिकन कढ़ाई बनाई थी, बहुत अच्छा बन गया। मैंने कहा जी बेहतरीन। दूसरे दिन भी मैंने कहा मैं बनाऊंगा, सत्यानाश कर दिया मैंने माश की दाल का। तीसरे दिन भी मैंने सत्यानाश कर दिया, चावल जो है वो यकीन जाने के पानी से ज़्यादा पतले चावल थे, वो बह रहे थे चावल, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि चावल सिर्फ 7 से 8 मिनट उबलेंगे, मैंने कोई 1.5 घंटे के लिए उबालने के लिए रख दिए थे। तो वो चावल बह रहे थे और मैंने बाकायदा फिर वो चावल बहाए हैं, बोतलों में भरने वाले चावल थे वो। तो लेकिन वक्त के साथ साथ अब इस वक्त 25-25, 30-30 लोगों की दावत होती है घर में, खाना मैं बनाता हूँ। अच्छा, वो खाना बनाने का जो कॉन्फिडेंस है वो तो मुझ में आ गया, और सिंगल हैंडेडली आप डिशेस के नाम सुनेंगे तो आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि ऐसी ऐसी डिशेस अब मैं सिंगल हैंडेडली बना लेता हूँ। मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहता हूँ, मैं एक अलग रहता हूँ, तो मेरे घर वाले बहुत दफ़ा आए दावत, और हमेशा आए और मेरी बीवी के हाथ चूम के चले गए, ठीक है। मुझ में आज तक ये हौसला नहीं आया जो हौसला आप लोगों को चाहिए ना मोहल्ले में निकलने वाला, वही हौसला मुझ में आज तक नहीं आया कि मैं अपनी बहन को बता सकूँ खाना मैंने बनाया। इसलिए कि समहाउ द अदर मुझे ये लगता आया है कि अगर मैंने ये बताया कि पिछले 3 साल से मैं खाना बना रहा हूँ तो मेरी बीवी की ज़िंदगी अजाब हो जाएगी, या मुझे ये भी लगता है कि यार हमने तो इतने नाज़ों से रखा है अपने भाई को, तुमने जो है वो ये करवाना शुरू कर दिया, तो एक समझे कि एक मसलहतन मैंने जो है वो। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जो एक हौसला मैं पिछले 3 साल से जमा नहीं कर पाया हूँ ना, वही हौसला आप लोगों को चाहिए। ये मिसाल मैंने आप लोगों को बिल्कुल सही दी है, वही हौसला चाहिए। लेकिन यकीन जाने एक मर्तबा निकल गई ना, फिर उसके बाद आपको टेंशन नहीं है,
बस एक मर्तबा वाला हौसला चाहिए, क्योंकि यकीनी तौर पर वो सब अपने सारे घर के सब काम वाम छोड़ के पूरा मोहल्ला आपको देखने के लिए जमा हुआ हुआ होगा कि आज जो है ये बाइक पे जा रही है, देखो तो ज़रा कैसे चलाती है। और जब तक आप, आपको बाकायदा जो है ना रुख्सत करने आएंगे बाजे गाजे के साथ, वीडियो भी बना रहे होंगे, तो वो आपको पूरा प्रोटोकॉल देंगे। और जब आपका शाम को आने का टाइम है उस वक्त आपका इंतज़ार भी कर रहे होंगे, लेकिन यकीन जाने दो तीन दिन वो आपका इंतज़ार करेंगे, उसके बाद बोलेंगे अच्छा ठीक है छोड़ो, तो रोज़ जाती है। कॉमन साइट हमारे रोड पे अगर कोई लड़की बाइक पे सिग्नल पे आके पहले रुकती थी ना, तो सब उसको ऐसे देखते थे जैसे वो मरीख से आई है। अब अगर आके वो रुकती है, हाँ ठीक है, यही है ना। तो जब मोहल्ले में एक लड़की होगी तो देखेंगे, उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी होगी, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये खौफ है दिल में कि मैं अगर मोहल्ले में कहीं गिर गई या बाइक बंद हो गई, ये खौफ हमें कभी नहीं आया। ऐसा ही है ना, मर्दों को कभी खौफ नहीं आया, आपको भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। साहिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर? सर जी राय सर, साहिद फारूक मेरा नाम है। मैं इसमें ये कंट्रीब्यूट करूंगा कि ये जो ये पूरी चुकी ना कि लड़कियां या खवातीन मोटरसाइकिल नहीं चला सकती, ये टूट गई है, टूट नहीं रही, टूट गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जहाँ रहता हूँ मेहनत कश मजदूरों की बस्ती है पहाड़गंज के नाम से, कड़ी पहाड़ी के पास, और मिक्स कल्चर है, पंजाबी भी है, पख्तून भी है, उर्दू स्पीकिंग भी है, क्रिश्चियन भी है। तो लेकिन वहाँ पे हमारे यहाँ इलाके में तीन या चार बच्चियाँ जिनकी उम्र 14-15 साल होगी वो आज़ादी से मोटरसाइकिल चला रही और अपने घर की जरूरियात को पूरा कर रही है, अपने बहन भाइयों को स्कूल लेके आती है, लेके जाती भी है, और शाम में मार्केट से जाके सौदा भी लाती है। पहले दो चार दिन जैसे अभी सर ने फरमाया, दो चार दिन लोगों ने देखा, उसके बाद लोगों ने नॉर्मल लेना शुरू कर। मेरी ये तजवीज़ होगी कि ये जो यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर साइकिलिंग या बाइक को प्रमोट किया जाए, और अगर मुमकिन हो तो इन इदारों की तरफ से सब्सिडाइज रेट पे स्टूडेंट के लिए इस तरह की कोई स्कीम लाई जाए, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने एक टाइम में 30% या 50% दी। तो इस तरह की खवातीन अगर मुतालबा करे, खवातीन के बहुत से प्लेटफॉर्म है जिससे ये मुतालबा होना चाहिए कि चूंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिन ब दिन कम होती जा रही है और खवातीन के मसाइल जो है ट्रांसपोर्ट के हवाले से वो बढ़ते जा रहे हैं और खवातीन की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही है, तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे इसको, और ये जो स्कूटी वाला है उसके स्पेयर पार्ट्स का इशू है, ये अपनी जगह पे हकीकत है, उसे बाहर निकले, सब मोटरसाइकिल चला रही है और नॉर्मल मोटरसाइकिल चलाती है, और आप लोग भी उसके ऊपर काम करें, और बेहतर है कि अपने मसले को जब तक आप लोग खुद हैंडल नहीं करेंगे ये इशू जो है वो हल नहीं है। थैंक यू सर, बिल्कुल एक एक बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है। और पहाड़गंज और कस्बा आगे कनेक्ट होता है, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं और चला रही हैं। बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो एक ये जो बैरियर है ना, ये आपको तोड़ना होगा, बाकी सारे काम हो जाएंगे। अच्छा, मेरी तरफ से और कोई किसी ने कुछ पूछना है जी पूछ लें, ताकि मैं फिर जो है वो बाकी लोगों को भी मौका दूँ। करीब करें माइक, करीब कर लें माइक, करीब कर लें। मैं बताता हूँ। अच्छा जी, आपका सवाल यह था कि मेल जो हैं वो स्नैचिंग का सामना कर सकते हैं या इस तरह की चीज़ों का सामना कर सकते हैं, मेल नहीं कर सकते हैं। मैं
क्योकुशिन एक कराटे की फॉर्म होती है, मैं उसमें ब्लैक बेल्ट हूँ, ठीक है। और आराम से 8 से 10 मुस्टंडों को मैं ज़मीन चटा सकता हूँ एक वक्त में। लेकिन मेरे साथ 6 दफ़ा स्नैचिंग हो चुकी है, 6 दफ़ा। और यकीन जाने कि मैंने ये 8 दफ़ा हुई होती, 2 दफ़ा मैंने रिटेलिएट किया जब मैं रिटेलिएट करने की पोजीशन में था, मज़ाहमत की पोजीशन में था, इसलिए कि वो गाड़ी चल रही थी और उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की और मैंने उनको साइड मार दी। लेकिन 6 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं गाड़ी चला नहीं रहा था, मैं बाहर खड़ा हुआ था। एक दफ़ा अपने घर जा रहा था पैदल, ऐसी वॉक कर रहा था। फिर उसके बाद एक दफ़ा DHA में हुआ। खैर, क्या मैं अब तफसीलात में जाऊं? 6 दफ़ा स्नैचिंग हुई है, मैंने कभी रिटेलिएट नहीं किया। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लें कि रिटेलिएट कोई भी नहीं कर सकता स्नैचिंग पे। और हमारे साथ स्नैचिंग हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है, होगी। अच्छा, जहाँ तक बेसिक सेल्फ डिफेंस की बात है, वो तो हम आपको सिखाएंगे। अगर आपसे कोई वैसे छीनने की कोशिश करे तो हम आपको इस काबिल भी बना देंगे कि आप उसके साथ ऐसा करें जो वो दोबारा खड़ा होने के काबिल ना हो, ठीक है। लेकिन बंदूक के सामने कोई सेल्फ डिफेंस नहीं होता। इवन मैंने जो सेल्फ डिफेंस के लेक्चर्स भी दिए हैं आज तक, उसमें हमेशा मैंने पहली चीज़ क्या कही है, सेल्फ डिफेंस का पहला जो कदम होता है ना, वो होता है भागो। क्योंकि देखें, आपके इख्तियार में पहला मुक्का है, दूसरा मुक्का आपके इख्तियार में नहीं है। सामने वो आपके पहले मुक्के के मुकाबले में वो तोप निकाल ले, छुरी निकाल ले, तलवार निकाल ले, गन निकाल ले, या वो आपसे बड़ा हो, ठीक है। तो पहला सेल्फ डिफेंस यही है कि आप भागें। दूसरा, जब आप उसकी गिरफ्त में आ चुके हों तो आपने डिसाइड करना है कि वो हम आपको उस काबिल भी बना देंगे अगर आप इस प्रोग्राम में इनरोल करती हैं। लेकिन स्नैचिंग गन पॉइंट पे होती है, उसका कोई हल नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्रिकॉशंस होती हैं जो आप मोबाइल के लिए करती हैं, बाहर निकलें मोबाइल का डिस्प्ले नहीं करें। अच्छा, बाइक का डिस्प्ले तो होगा, तो आप गैर ज़रूरी तौर पर बाइक ना निकालें। नई बाइक ले ली है, कवर चढ़ा के रखें, गंदा मैला करके रखें, उसे रिम्स चमकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, होंडा, सुजुकी, यामाहा, ये 3 ब्रांड कोशिश करें कि ना लें। हाँ, इंश्योरेंस, इस प्रोडक्ट में इंश्योरेंस अवेलेबल है। और बोलें, 45 दिन में दूसरी बाइक मिल जाएगी, लेकिन जान दोबारा नहीं आती है। आपके पास चाहे बाइक हो या चाहे आपके पास मोबाइल हो, डू नॉट रिटेलिएट। छोड़ के जाएं घर पैदल, हम भी दे देते हैं भाई। मैं आप मेरे कद कार्ड को देखें, आप मेरे कद कार्ड को देखें, मेरे सामने 16-16, 17-17 साल के दुबले पतले, मैं यकीन जाने के अगर एक रख दूं तो वो उठ ना पाएं। वो आए, उन्होंने गन लोड किए, मैंने कहा ये ले भाई। हाँ, अशरफ ताई, मतलब ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई, उनको किडनैप किया जी असलहे पे। तो ये असलहे के सामने कुछ नहीं होता, आप भी चुप करके दें उनको, वापस आ जाएं, इंश्योर करवा लें, दैट्स इट। और कोई सवाल है किसी का जी? जी प्लीज, प्लीज सवाल पूछे जी। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक बाइक। रोजगार होगा सारी चीज़ें। अच्छा, 2 सवाल आपके, क्या नाम है? जोहा। जोहा,
सबसे बेहतरीन सवाल आज के सेशन में उन्होंने पूछे, दो सवाल पूछे, दोनों का मैं जवाब दूंगा। बेहतरीन सवाल के बहुत लाजवाब। अच्छा, इन्होंने पॉइंट रेज किया है इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स के बारे में कि क्या है वो, आप लोगों ने देखा है? देखा है। कैसी लगी है इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स? अच्छी है। ये बात आपके पास है? अच्छा, तो कितने अरसे पहले लिए? असल में आप मुझे नजर नहीं आ रही, प्लीज जरा अगर सामने बैठ जाए। हाँ, कितने अरसे से चला रही हैं? सर मैंने अभी मुझे 4-5 मंथ्स हुए। ठीक। सुन ले मैं अब क्या बोलूं। अच्छा अच्छा, और भी चीजें मैं बताता हूँ, आपकी इजाजत के साथ बुरा नहीं मानिएगा। मेरा आधा काम तो इन्होंने कर दिया है, लेकिन चले मैं एक काम पूरा करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा सुमैया, जब आपने स्कूटी ली थी तो उससे पहले घर में किसी से या किसी और इदारे से, क्योंकि अब तो और भी इलाके वगैरह में खुल गए, कहीं से कोई प्रोफेशनली ट्रेनिंग हासिल की थी प्रॉपर? नहीं नहीं, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। मुझे मेरे फाइनल आके ली थी, क्योंकि मैं चैनल में जॉब करती हूँ, चैनल सारे टावर सदर में, तो मुझे दो बस बदल के जाना पड़ता है। तो आप टावर सदर वगैरह जाती हैं अपनी ईवी पे, बाइक पे? नहीं, तक मैं नहीं गई। उसका रीजन ये है कि यूनिवर्सिटी रोड जो बंद है ना, तो मैं वहां हैंडल नहीं कर पाती। तो यही मसला है। तो मैं बताता हूँ। देखें, आप में से पाकिस्तान से बाहर कोई थाईलैंड मलेशिया वगैरह किसी का जाना हुआ है? ठीक है, वहाँ कामयाब हैं ये, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं एक जगह से दूसरी जगह, और क्योंकि शॉर्ट हाइट लोग हैं चला रहे होते हैं ईवीज, इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे मुल्क में अगर बुलेट ट्रेन आ जाए, तो बुलेट ट्रेन आने से पहले हमें यहाँ पर ट्रैक्स बनाने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। उसके बगैर बुलेट ट्रेन आएगी तो क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से अगर एक एयरपोर्ट है सक्खर पे, अगर बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाए तो वो कहें कि जी यहाँ पर तो बोइंग जहाज़ भी उतरना चाहिए, तो सक्खर में बोइंग नहीं उतर सकता, क्योंकि उसको टेक ऑफ के लिए कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर रनअप चाहिए होता है। ठीक है, तो असल चीज़ क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी को भी प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले, सब ठीक है? अच्छा, किसी भी प्रोडक्ट के आने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। जो सड़कें मलेशिया में हैं वो सड़कें कराची में नहीं हैं। स्कीम 33 यूनिवर्सिटी रोड यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आप इस्लामाबाद में रह रही हो, F10 से I8 जाना है, I8 से G9 जाना है, फाइन। एक ईवी एक चार्ज पे अच्छी से अच्छी भी हो और नई हो तो 80 किलोमीटर की रनिंग देती है, ऐसे ही कह रहा हूँ। क्लेम करेंगे 150-120, 80 से ऊपर नहीं है। अच्छा, 6 महीने के बाद उसने अपना असल रूप आपको दिखाना है, वो आएगी 80 से 70 पे 60 पे, और एक 30 से 35 किलोमीटर पे आगे रुक जाएगी। और आप अपने घर से निकलें और आपने जाना हो फॉर एग्जांपल बलोच कॉलोनी आना हो, रास्ते में बंद हो गई, अब आप क्या करेंगे? तो ईवीज का यहाँ पर उस वक्त तक मुस्तकबिल नहीं हो सकता है कि जब तक के ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जब तक के वो 50-50 हज़ार रुपये की ना बिक रही हूँ, चलें 1-1 लाख रुपए की ना बिक रही हूँ, नंबर वन। नंबर टू, जब उसकी बैटरी फारिग हो जाती है तो उसकी बैटरी ही 1.25 लाख रुपए की है। ये है ना चीज़, हमें तो टेक्निकलिटीज पता हैं। 1.25 लाख रुपए की बैटरी ना हो, 20-30 हज़ार रुपए की बैटरी हो। तीसरी चीज़, जगह जगह पे कॉफ़ी शॉप हो, चार्जिंग स्टेशन हो। आपने जनाब चार्जिंग पे लगाई, कॉफ़ी पी रही हैं, अखबार पढ़ रही हैं, कोई इस बात का डर नहीं है कि आपके साथ स्नैचिंग हो जाएगी या आपको कोई देखेगा या आपके ऊपर जो है वो कोई किसी किस्म की हरासमेंट होगी, कोई आप लोगों को डर नहीं होना चाहिए। और शहर छोटा होना चाहिए, ये इस्लामाबाद में चीज़ कामयाब हो सकती है, शहर छोटा है और साफ़ सुथरी सड़कें हैं, लेकिन इस्लामाबाद, सिर्फ मेन इस्लामाबाद, अगर किसी ने इस्लामाबाद से बैरिया टाउन जाना है फिर कामयाब नहीं है। मैं सिर्फ मेन इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स
इज़ अ बिग फेलियर इन पाकिस्तान, इसलिए कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक, इन्होंने भी पहले जो है वो बेल ले ली है, बटन ले लिया, अब उनको मैचिंग का सूट ढूंढना है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़, राइड हेलिंग सर्विसेज की बात हो रही है। राइड हेलिंग सर्विसेज आज से नहीं, तकरीबन कुछ 2 साल से हमारे साथ रबते में है। हमारी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करने के लिए राइड हेलिंग सर्विसेज या ये जो कंपनीज हैं ये तैयार नहीं है। अब आप लोगों से क्या छुपाना, मैं सीधी सी बात बताता हूँ। देखें, एक इदारा मैं चला रहा हूँ और पिछले 5 साल से चला रहा हूँ। किसी के पास पैसे हैं ले लिए, किसी के पास पैसे नहीं हैं कोई बात नहीं, किसी के पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो उसको घर से भी बुला लिया, घर पर छोड़ भी दिया, खाना भी खिला दिया, ये चलता है हमारे यहाँ। लेकिन जी फरमा जी, बस मैं इस चीज़ को रैप अप करता हूँ इस चीज़ को, जस्ट 2 मिनट्स। तो हमने उनसे अपनी डिमांड्स वगैरह रखी और साथ ही साथ हमने अपने SOPs रखे कि इसकी क्वालिटी अश्योरेंस और सारी चीज़ें जो है वो हम मैनेज करेंगे। इस चीज़ के ऊपर वो कंपनीज़ अभी फ़िलवक्त तैयार नहीं है, तो जब तैयार हो जाएंगी तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा जो है वो राइड हेलिंग सर्विसेज का होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। सुन तो दिया, सारी बातें हो गई मेरे ख्याल में। पहली बात तो मैं पलम साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, इतनी अच्छी और मालूमती गुफ्तगू के हवाले से, और इनका प्रोजेक्ट है उसके बारे में इस गुफ्तगू के ज़रिए मालूमात हुई। देखिए क्या माइक और करीब करना है, इसमें समाजी माशी तकनीकी सारे जो भी मसाइल हैं, मोटरसाइकिल ख़रीदने के, चलाने के, रखने के फवाइद मसाइल, वो सब पेश किए गए हमारे सामने। मेरा ये फिर ये सोच रही है और लिखा भी है कि ये जो दिहाई है जिसमें हम हैं इस वक्त, ये पाकिस्तान के ख्वातीन की दिहाई है। ये जो दिहाई है इसमें, इस माशरे में ख्वातीन के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी, और अगर ख्वातीन के हवाले से तब्दीलियाँ आती हैं तो वह तकरीबन हर एक शोबे में आती है। ये नहीं हो सकता कि ये सिर्फ ख्वातीन तक महदूद रहे। यहाँ तक तालीम का ताल्लुक है, असातिज़ा बेशतर यूनिवर्सिटीज़ की अक्सरियत में ख्वातीन है। आपकी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन में उनके नंबर बढ़ रहे हैं। तकरीबन 90% ख्वातीन जो हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, और यही फिगर तकरीबन आर्किटेक्चर और प्लानिंग की है। तो ये बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हैं, छोटी नहीं है। शादी ब्याह के तरीक़ा कार बदल गए, लोग एक दूसरे को चुनने लगे शादी ब्याह के सिलसिले में, माँ बाबा भी आहिस्ते आहिस्ते ये बातें कबूल करने लगे, जो मेरी जवानी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये जो तब्दीलियाँ आई हैं ये बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, और इन्हीं को अगर हम मद्देनज़र रखें तो ये जो मोटरसाइकिल चलाने की तब्दीली है ये इसी इस तब्दीली का हिस्सा है। आप इसको जुदा नहीं कर सकते इससे, और ना आपको जुदा करने की ज़रूरत है, बल्कि बरक्स इसको जोड़ने की ज़रूरत है इस तब्दीली के साथ जो माशरे में आ रही है। बिल्कुल जुदा ना करें। और मैं ये कहता हूँ,
माजरत के साथ आपके साथ कि आज से 10 साल बाद इनकी ज़रूरत नहीं होगी। ये रिवाज कायम हो जाएगा, पुख्ता हो जाएगा और आप इनके पास नहीं जाएंगे, ना आपको परेशानी होगी कि कहाँ चला रहे हैं मोटरसाइकिल, कहाँ लेके जा रहे हैं, मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं। माँ बाबा जो हैं वो भी रजामंद हो जाएंगे क्योंकि आप माँ बाबा बन जाएंगे जब तक। इस पर भी गौर कीजिए। एक नया जनरेशन, हम तो बात करते हैं एक नया जनरेशन बच्चों का, मगर एक नया जनरेशन माँ बाबा का भी पैदा हो रहा है जो यहाँ बैठा हुआ है सारा का सारा। तो आप तो मेरे ख्याल में अपने माँ बाबा के तरह नहीं होंगे, मोटरसाइकिल चलाएंगे, आपके बच्चे भी चलाएंगे, आए जाएंगे मोटरसाइकिल पे या जो भी तरह का होगा। मंसूर साहब और मैंने एक स्टडी की थी 2010 में, ये बहुत दिलचस्प है ये बता दूँ आपको। तो उस स्टडी में कोई 56% खवातीन जो थीं जो बस स्टॉप्स पर खड़ी थी, उन्होंने कहा कि हम मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं मगर हमें इजाज़त नहीं मिलती अपने घर से, 56%। और ना सिर्फ ये बल्कि उस ज़माने में 4-5 जो हैं वो चलाया करती थी मोटरसाइकिल, और अब आपने फिगर दी कुछ, ये तो बिल्कुल बदल गई तस्वीर, ये तो ये भी बिल्कुल ही मुख्तलिफ तस्वीर है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो तब्दीली समाज में आ रही है, आप मोटरसाइकिल को उससे ज़रा जोड़ के रखिए, अलग ना कीजिए उसको। और जैसे मैंने कहा कि इनकी असल कामयाबी जब होगी जब ये अपने दफ्तर में ताला लगा के चले जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा जल्दी होगा। बहुत शुक्रिया आपका, ना सिर्फ जो आपने बातें की बल्कि शुक्रिया इसका भी कि आपने माशरे में एक तब्दीली जो आ रही थी उसको इतना बड़ा सहारा दिया। तब्दीली लाने की बात करना आसान होता है मगर एक तब्दीली को सहारा दे के और उसकी शक्ल तब्दील करना वो ज़्यादा मुश्किल बात होती है। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया दोनों पहलुओं के लिए। अनम, आपको मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपने अपना बाइक राइडिंग का सफ़र कैसे शुरू किया, और उसके बाद फिर मैं फातिमा से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारा इस वक्त जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकता है उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। अनम प्लीज़ ज़रा आइएगा, माइक की आपको ज़रूरत नहीं, आप तो खुद ही चलता फिरता स्पीकर हैं। मैं उसी से अपना तारुफ करवा दूँगी। जैसा कि मैं उनको सुनती हूँ कि वो हमारे अंदर उनको है, उनको बाइक लेने की फिक्र है, बाकी चीज़ें जो मैं देखती जा रही हूँ, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये शायद मैं ही हूँ जिसके अंदर ये डर था कि मुझे बाइक नहीं चला सकती मैं, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो ये डरों को अपने अंदर 6 महीने तक रहा, नहीं सिर्फ सोचा था मुझे बाइक ले लेनी चाहिए क्योंकि मेरा मंथली एक्सपेंस बढ़ी करीब 5000 जा रहा था आज से कुछ 3 साल पहले, जो कि इजी नहीं था एज अ सिंगल मदर और छोटे बच्चों के साथ अकेले रहते हुए ये सब अफोर्ड करना इज नॉट। अच्छा, अब अगर हम ये कहें कि हम इस इलाके से जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो मैं जहाँ पे हिजरत करके मेरी दादी आई, मेरे फादर रहे, हम वहाँ पैदा हुए, 40 साल में आज तक मोहल्ले ने मेरी शक्ल नहीं देखी, ना हमारा ना कोई जानता, लेकिन हम कभी घर से नहीं निकले। हम बहुत फैमिली ओरिएंटेड फैमिली से हैं, जो कि सारी गैदरिंग घर के अंदर ही रहती है, पड़ोस में कौन रहता है भी इवन बोलते हैं, जानते हैं तो किसको जानते हैं, दादी को जानते हैं, बाबा को जानते हैं, क्योंकि कितनी बेटियाँ क्या पढ़ रही, कुछ हमने अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल जॉब सब उसी मोहल्ले में रहते हैं, किसी को नहीं पता कब आइए कब जाइए, हम ऐसे रहे हैं। बट आज जब 3 साल पहले मैं वहाँ बाइक लेके गई हूँ तो उनको पता चला है कि मनू साहब की बेटी अंगे छोटी है। तो ये खौफ अगर हम अपने अंदर से निकाल देंगे ना कि लोग क्या कहेंगे, लेट इट बी, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। आप लोगों के अनम से कोई सवाल है?
वरना तो ये अपनी 3 साल की जर्नी पूरी की पूरी बताएंगी जैसे मैं बता रहा था। कोई सवाल है जो अनम से आप लोग डायरेक्टली पूछना चाहें तो पूछें, पूछें जी। नहीं, मुनस्सा की तो टाइपिंग सवाल कुछ ज्यादा ही हो गया, फिर और अगर मैं उनकी भी जवाब देना चाहूंगी। हाँ जवाब। आप तो समझते हैं कि आप रोड पे निकलेंगे तो भाई पूरी दुनिया आपको देख रही है, छेड़म छाड़ी भी होगी, ऐसा भी होगा, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी पाइप खराब हो जाए तो आपकी हेल्प के लिए 10 से 12 लोग हॉस्पिटल होंगे, लेकिन अगर आप प्रॉपरली चला रही है तो कोई आपको नहीं देखता। हमारे साथ कुछ हो जाए हमारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं जी प्लीज। मैंने आपसे 10 साल पहले कार चलानी शुरू की, शौक से ली हुई नई कार, और मैंने कोविड की वजह से वो कार मैंने चलाना छोड़ दी और आज तक मैं ड्राइविंग नहीं करती हूँ। आप लोग मेरे काम पहले तो कोविड जैसे थे कि शायद मैं इससे शेयर ही ना कर सकूँ, और वो कोविड आपको आपको कुछ वक्त हमारे साथ गुजारने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, मैंने माजरत के साथ मैंने जब ये काम शुरू किया, यकीन जाने कि मैंने अपने घर की माओ बहनों के लिए ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं कि शायद मैं उसी वक्त ख़त्म कर देता, लेकिन मैंने स्टैंड ले लिया। मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ है, बच गया। मेरे ऊपर गोलियां चली हैं, अल्लाह ने बचा लिया। पथराव बहुत दफ़ा हुए हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैंने इग्नोर किया, और आज आप लोगों के सामने बैठे हुए इसी वजह से, तो स्टैंड लेना ज़रूरी होता है। एनीवे, और कोई सवाल अनम से किसी का जी? दो बातें जो है वो मैं उनका यहाँ पे कमेंट्स में अवॉइड करना चाहूँगी। एक बात पहले कि ये जो प्रोग्राम्स है ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे खवातीन मौजूद हैं तो वो जो बात इन्होंने कही कि जो लड़के हवासें कसते हैं, जो फिक्रें कसते हैं, वो भी तो आखिर घर से आते हैं ना, उनके घर एक माँ है, एक बहन है। अगर वो माँ, अगर वो बहन अपने भाई को टाइम दे और उसे इतनी अवेयरनेस दे कि आप जब बाहर जाएंगे तो बेटा वो जो लड़की बाइक चला रही है तो बेशक बेशक वो शौक से या सिर्फ और सिर्फ हवारा करने के शौक से नहीं निकली है, उसकी कोई मजबूरी होगी कि वो इतना रिस्क ले बाइक चला के जा रही है, आपने उसकी रिस्पेक्ट कर दी। बेहतरीन फातिमा, आपसे गुजारिश है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा, थैंक यू अनम, और अनम यहीं पर ही मौजूद हैं, 1-on-1 आप लोग गुफ्तगू कर सकते हैं अनम से। फातिमा से हम गुजारिश करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता सकें, आपको माइक की ज़रूरत शायद पेश आए। ओके, हेलो, आई एम ऑडिबल राइट? अच्छा, सो यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि एक्चुअली मोटर बाइक सीखना चाहते हैं और ख़रीदना चाहते हैं, लाइक सीरियसली ख़रीदना चाहते हैं? ऊंचा रेस करें हैंड, दैट्स अ फ्यू पीपल। आई वुड लाइक के जब ये सेशन ख़त्म हो जाए तो मुझे आके अपना नंबर ज़रूर लिखवा दीजिएगा, हम कांटेक्ट कर लेंगे। बेसिकली विमेंस मोबिलिटी पे हमने एक रिसर्च स्टार्ट की थी, एंड एज वी प्रोग्रेस्ड वी रियलाइज्ड के पंजाब में ही एक्चुअली हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जहाँ पे सब्सिडाइज मोटर बाइक्स हम लोग दे रहे थे, एंड देन वी रियलाइज के मोटर बाइक्स देने के साथ साथ वी नीड टू ऑल्सो गिव द ट्रेनिंग, एंड देन जब यहाँ पे कराची में मूव हुआ प्रोजेक्ट, सो वी रियलाइज के यहाँ पे तो सब्सिडाइज नहीं मिल रही थी मोटर बाइक्स। मोटर बाइक ख़रीदना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, डाउन पेमेंट अफोर्ड करना इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट। सो वी डिड अ कोलेबोरेशन, आप लोगों को कशा फाउंडेशन का पता है? सही है। सो वी बेसिकली गॉट 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस ऑन बोर्ड, एंड देन वी वर लाइक ओके, जो जो इंटरेस्टेड है मोटर बाइक ख़रीदने में उन लोगों के लिए आप लोन पे ले सकते हो मोटर बाइक, नो डाउन पेमेंट, अफोर्डेबल आपके पास इंस्टॉलमेंट्स है 8,500 रुपये की, ठीक है, या 10,000 से 11,000, वट एवर इज़ योर रेंज, टेन्योर के ऊपर डिपेंड करता है, 12 महीने हैं और 18 महीने हैं। ट्रेनिंग को हमने सब्सिडाइज कर दिया है फ्रॉम 12,000 to 3,000 रुपीज़ ओनली, एंड कश्यप के साथ जो हम लोगों ने
हाँ नहीं मार्कअप है, आई एम रियली सॉरी, बट द थिंग इज़ के बिकॉज कशा फाउंडेशन इज़ ए नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो जो मार्कअप है ना वो बेसिकली, अगर मैं बहुत ईजी टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ, 6 months अगो मोटर बाइक की प्राइस थी 8,500, बट बिकॉज इकोनॉमी का हाल ऐसा है कि अभी मोटर बाइक वही सेम 1,06,000 की मिल रही है, राइट? सो अगर आप एक तरह से देखें, लाइक इफ मार्कअप इज समथिंग जिससे आपको मसला हो रहा है, सो उसका जस्टिफिकेशन ये है कि अगर 1,00,000 की बाइक है तो आप 25,000 ऊपर दे रहे हैं मार्कअप, 25% मार्कअप है. सो आप वैल्यू देखें, जो 6 months अगो थी वो 6 months अब राइट नाउ कवर हो चुकी है, राइट? तो इफ दैट मेक्स सेंस, बोले आप मोटर बाइक डायरेक्ट खरीदना चाह रही हैं, ठीक है तो आप ले लें. हाँ रेगुलर सब्सिडाइज प्लान आते हैं. मार्कअप वाला आई नो लोगों के रिलीजियस कंसर्न्स होते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट. द थिंग इज़ कि हमारी बेसिकली एक ये रिसर्च स्टडी है, सो लोन जो है वो एक एकेडमिक रिसर्च का रिक्वायरमेंट है इन अ वे, बिकॉज हम आर्ग्यूमेंट ये बनाना चाह रहे हैं एक पॉलिसी परस्पेक्टिव से कि दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सब्सिडाइज ख़वातीन के लिए मोबिलिटी, ठीक है? सो हम बेसिकली जो ये रिसर्च करेंगे उसमें हम थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करेंगे, हम ये देखेंगे कि मोटर बाइक मौजूद होने से ख़वातीन की कन्वीनियंस में, टाइम में, सेविंग्स में, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, उनकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, मतलब उनके लिए कितना आसान है बाहर जाके काम करना, क्या उनकी इनकम में इजाफा होता है जब उनके पास अपनी मोटर बाइक अवेलेबल है, मोबिलिटी, राइट? इस सब को हम स्टडी कर रहे हैं, हम इस सब के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, राइट? सो दैट्स वाई हम सब्सिडाइज कर भी पा रहे हैं, बिकॉज हमें ग्रांट इस चीज़ के लिए मिला है, ठीक है? सो उसकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आप खुद अफोर्ड कर सकते हैं बाइक, तो फिर खुरम साहब से आपको रीच आउट डायरेक्टली करना होगा कि ट्रेनिंग आपको मिल जाए. मगर अगर आप हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू आएंगे, अगर आपको लोन पे चाहिए बाइक, अगर आप इंस्टॉलमेंट ही अफोर्ड कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर प्लीज़ रीच आउट, ठीक है? गुड, थैंक यू. बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, जिस दिलचस्पी के साथ आपने इस फोरम में शिरकत की, बावजूद इसके कि लाइट नहीं है. ये फोरम थोड़ा सा मुझे रिवायती फोरम से मुख्तलिफ लगा, क्योंकि आमतौर पर जब हमारा फोरम ख़त्म होता है तो सवाल जवाब का सेशन शुरू होता है, लेकिन आप लोगों के सवालात क्या बल्कि एक इजहारिया थे जो आप लोग बात करना चाहते थे, अपने तासुरात पहुँचाना चाहते थे. हमारा जब ये फोरम पर इन्विटेशन चला है तो लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया कि किसी ने तो स्टैंड लिया, किसी ने तो इस पर बात करनी शुरू की. जहाँ पर एप्रिसिएशन मिली है वहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ. मंसूर रजा साहब प्लीज़ आप भी सुनिएगा. एक ग्रुप में मुझ पर इन्ना लिल्ला पड़ी गई मेरे दावत नामे पर, बाकायदा कहा गया इन्ना लिल्ला है वह इन्ना इलैहि राजिऊन कि हम क्या काम करने जा रहे हैं. लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की शिरकत, आरिफ साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जब ख़वातीन के शोबे में तब्दीली आती है तो कई जगहों पर तब्दीली आती है. इसमें कोई शक नहीं है कि घर वालों को भी उस तब्दीली को कबूल करना पड़ता है. ऐसा कौन सा काम है जो ख़वातीन नहीं कर रही हैं? ग्रॉसरी कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, इवन कि हमने यहाँ तक देखा है, जाहिद साहब का भी ऑब्जर्वेशन है कि ख़वातीन चिंची भी चला रही हैं. तो ख़वातीन तो हर शोबे में है ना मौजूद, तो फिर वो अपना पीको कराने खुद क्यों नहीं जा सकती? अपने लिए आसानियाँ तलाश कीजिए. बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का कि लाइट नहीं थी. हम माजरत खां हैं सर आरिफ से, मंसूर रजा साहब से, खुर्रम साहब से कि लाइट ना होने के बावजूद आप लोगों को बहुत ज़हमत हुई. सॉरी, चाय रेडी है?